मैं आपको ना अपने पहले पति से मिलाऊंगी। गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग? सो होपफुली अभी तक आपको ब्लॉग्स में अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे। यहाँ आने के बाद पता है यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जुकाम इतना ज़्यादा हो गया है ना, कोल्ड इतना हो गया है कि गला है ना, मैं सब बोला नहीं जा रहा, बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा है सिर दर्द, और नाक की तो क्या ही बात करूँ, पूरी बंद हो चुकी है। बट कोई ना, अभी हम चाय लेने जाएंगे बाहर चौराहे से, तो देखो चाय पीने के बाद थोड़ा सही हो जाए, क्योंकि अभी तो कोई भी चांसेस नहीं लग रहे हैं थोड़ा ठीक होने के। अभी हम जा रहे हैं चाय लेने के लिए, तो चाय लेने चलते हैं। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम नहीं आ पाओगे प्रेम में, इधर आ जाओ। आ गए ना? हाँ एलानी बोलते, हाँ एलानी बोलते। हमारा बस यहाँ से निकलने का समय आ गया है, तो अब हम थोड़ी देर में बस निकलेंगे। हमारे ब्लॉग के खत्म होने का टाइम आ चुका है। इस वाले को अब समाप्त करने का समय आ गया है, तो हम निकलेंगे यहाँ से बस थोड़ी देर में। और मैंने वैसे अभी तक मंदिर नहीं दिखाया, और मैंने अपना पहला पति भी नहीं दिखाया। हाँ जाओ, दिखाया जाओ, मैं दिखाती हूँ। चलो पहला पति आ जाओ, तो मैं भी दिखाती हूँ। मैं त्रिशूल मारने आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तो मैं भी दिखाती हूँ। चलो रिएक्शन दिखाऊंगी तुम्हारे, दोनों की दोस्ती कराती हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना पहला पति, और दूसरा पति मेरा जलने लग रहा है पीछे बड़ा खड़ा होके। तो ये है मेरा पहला पति। अब तो मैं कैसा लगा मिलके पहले पति से, बताओ जल्दी से। मैं तो जर रहा हूँ। जर रहा हूँ। मैं तो जर रहा हूँ। अपनी जलन अपने पास रखो। मैं को कोई जलन नहीं है। हाँ, मैं तो अच्छी बात है, वो भी भूतनी की तरह लिपट जाए इससे। नहीं नहीं, इनको यही छोड़ना ज्यादा सही है, साथ में ले जाना ठीक नहीं है हमारे लिए। खैर चलो, ये है हनुमान जी का मंदिर, तो ये गुरु जी का ही मंदिर है, उनके आश्रम है। हाँ, इसी में मंदिर है, आश्रम है, गौशाला है, सारी चीजें हैं, क्योंकि इनके पापा बाबा उनका है, पुश्तैनी है, बस ये वाली बात है। और दिखाऊं मैं आपको मंदिर, ये देखो, इसमें ना काफी भगवान है। कितने भगवान बताए थे? 9 भगवान बताए थे ना, वो जो बताए थे उन्होंने, नवग्रह के। हाँ, तो सारे नवग्रह हैं। नवग्रह तो वो रहे सारे, वही है ना नवग्रह। हाँ, वो सारे नवग्रह हैं जो वो है, और ये रहे इधर की साइड में, उधर की साइड में, और अंदर जो है, अंदर दिखाती हूँ आपको, यहीं से दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे ना अभी हवन हुआ था, हम हवन करके गए हैं, और अंदर जो है वो है हनुमान जी की मूर्ति, तो वहाँ अभी ताला लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ टाइमिंग से खुलता है, पूजा होती है ना, वो गुरुजी करते हैं सुबह शाम उधर आरती वगैरह, तो उन्हीं के लिए वो खुलता है। बाकी का तो ये है ना भोलेनाथ का मंदिर है, यहाँ सब लोग ऐसे आते रहते हैं। तो ये है हमारा पूरा मंदिर, चलो आ जाओ चलते हैं। आपको सब कुछ दिखा दिया है, अब हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, तो आगे का शूट में जो भी कुछ भी होगा थोड़ा बहुत मैं दिखा दूंगी रास्ते में। तो अभी फिलहाल यही एंड करते हैं, आगे का देखते हैं क्या होगा। शायद सलामी बंदूकों की गोलियों से दी जाती है, बंदूक की शेल है ये, गन की खाली पड़ी है वैसे। होता होगा इनका कुछ शायद, अपना क्या पता, कुछ क्या पता कुछ भी होगा, फंक्शन वंक्शन हुआ हो पहले तो, क्योंकि ये मंडप है ना पूरा, और वहाँ भी मंडप है, यहाँ भी कुर्सी वगैरह वो लगी हुई थी, शायद कुछ हुआ था यहाँ हमारे आने से पहले, होगा हमारे आने से पहले फंक्शन, क्योंकि 3-4 राउंड फायर हुए हैं, क्योंकि चार पांच एक तो हमारी गाड़ी के नीचे ही पड़ा हुआ है। देखो एक वहाँ पड़ा है, एक उधर, तो इधर है, एक वहाँ है, और एक ना गेरा गाड़ी के नीचे, एक गाड़ी के उस साइड, गाड़ी की दूसरी साइड कुछ हुआ है मेरे ख्याल से, अच्छी खासी फायरिंग हुई है बोल सकते हो, मतलब हो सकता है जितने राउंड होते हो ना गन में वो सारे राउंड फायर किए हों, ऊपर में एयर फायर करिए। चलो अब गुरुजी से मिलने चलते हैं, हो गई 10-15 मिनट, देखते हैं वहाँ खाली होंगे तो। वैसे आपको है वैसे ही मैं ऑटो चलाती हूँ, ऑटो की बात नहीं कर रही हूँ, बातचीत की बात कर रही हूँ। कि बातचीत करने का जो आपको कई साल हो गए। सो निकल के उज्जैन से हम आ गए हैं अभी आगरा वाले हाईवे पे,
और करीब बज गए ना 3:30 और भूख भी इतनी तेज लग गई है, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो अभी हम रुक गए एक रेस्टोरेंट में, तो पहले वहाँ खाना खाएंगे आराम से बैठ के, उसके बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं आगरा और सीधे मैं जाऊँगी अभी अपने घर क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ सामान वगैरह उठाना है, तो इस वजह से पहले खाना खाने चलते हैं। चलो खाली प्लेट है भाई, तो ये हमारी सास क्या बोला, दोबारा बोला मम्मी? ना दोबारा बोलो, बता तो चले हमारी सास है कैसी। सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कैसी है सास? जोरदार है ला नहीं। और तुम्हारी सास? बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, जोरदार। मम्मी आपको तो पता है आपने किसे बहू बनाया, आप तो नहीं भूले। मालूम है, सही बात है, मालूम होना चाहिए। तो हम अपना पैसा वसूल करके खाते हुए निकलते हो, इतना अच्छा खाना था ना, बहुत बढ़िया खाना था, सच्ची बताऊँ तो मज़ा आ गया खा के। भूख जितनी तेज लग रही थी ना उतना ही ज़्यादा पेट भर गया, एक्स्ट्रा ही खा लिया है, ज़्यादा ही कुछ। और साथ में रास्ते के लिए लिए हैं कुछ चटे पटे से खाने के लिए सामान, क्योंकि अभी 10 घंटे का अभी रास्ता है, इस वजह से रास्ते के लिए मैंने बहुत सारा सामान ले लिया है। हाँ चलो, तो ये भी रास्ता आप काटते हैं, तो गाड़ी में चलते हैं और निकलते हैं आगरा के लिए। नहीं वहाँ खड़ी किया, तो यहाँ हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए। और रात को ना मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मैं सोती हुई आई थी इस वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे एक नए ब्लॉग में।